नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ की बीजेपी नेताओं के प्रति दीवानगी कैसी है, इस पर मैं एक रिपोर्ट बनाने ही जा रहा था और बनाया भी हूं, लेकिन इसी कड़ी में एक ऐसी खबर देखने को मिल गई, उसके बाद तो इस बात पर मुहर ही लग जाती है कि भाजपाइयों के प्रति सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ ना जाने किस हद तक शायद झुके हुए हैं। एक वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यहां आप देखेंगे नरेंद्र मोदी गणेश भगवान की आरती उतार रहे हैं, बगल में सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ भी खड़े हैं और उनके परिवार के सदस्य भी हैं। यह घर सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ का है और नरेंद्र मोदी वहां पर उस पूजा अर्चना में शामिल होने पहुंचे थे। परंपरा के मुताबिक जिसके घर में पूजा होती है, घर का मुखिया आरती उतारता है, लेकिन यहां सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ साहब भजन गा रहे हैं और आरती उतारने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। हो सकता है कि यह इनका निजी मसला हो, लेकिन ये लोग निजी लोग नहीं हैं, ये सार्वजनिक लोग हैं। इनके उठाए गए कदम फैसले हर जगह समाज में प्रभाव डालते हैं। सत्ताधीश के प्रति एक न्यायाधीश की इतनी नजदीकियां, इसे लोग कोड ऑफ कंडक्ट जो जुडिशियरी के हैं उसके खिलाफ मानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कई बड़े लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन यहां हम वो रिपोर्ट भी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महासचिव रह चुकी एक महिला बीजेपी नेता को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जिद में जज तक बना दिया और अब उन्हें परमानेंट भी कर दिया, जिन पर हेट स्पीच के आरोप भी हैं। साथ ही साथ अपने तर्कों के सहारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनका बचाव तक किया है। उस पर हम आते हैं कि कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस बातों को दरकिनार कर अपने तर्कों से उन लोगों को खामोश करने की कोशिश की थी, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। प्रशांत भूषण ने एक टिप्पणी की है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, उसी वीडियो को शेयर करते हुए, मतलब साफ है कि न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता तो है। एक न्यायाधीश को अपने कार्यालय की गरिमा के अनुरूप कुछ हद तक अलगाव का व्यवहार करना चाहिए। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस पद के सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो, संहिता का यह उल्लंघन कहा जाएगा। बात इतनी ही दूर पर रुकी नहीं, जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की दीवानगी ही भाजपाइयों के प्रति कुछ ज्यादा मालूम पड़ने लगी है, तो यहां संजय राउत के ट्वीट को आप इग्नोर कैसे कर पाओगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने कितनी गंभीर बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के घर जाते हैं, आरती वो करते हैं, सीजेआई भजन गाते हैं, इससे एक मित्रता के तौर पर आप देख तो सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े लोगों की ऐसे जो आचरण है वो गोपनीय हो तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर इसकी पब्लिसिटी की जाती है तो एक न्यायाधीश के निष्पक्ष होने पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या यहां नरेंद्र मोदी जानबूझकर एक संदेश देना चाहते हैं कि सीजेआई को रिटायर तो होने दो, तोहफा उनके लिए भी हमने तैयार कर रखे हैं। जरा देखिए, ट्राइबल आर्मी ने भी उस वीडियो को शेयर किया जिसमें नरेंद्र मोदी सीजेआई साहब के घर पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पहले ट्राइबल आर्मी के ट्वीट को देखिए, भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। संजय राउत ने इसी वीडियो को, इसी ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा भी कि संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से, ईवीएम को क्लीन चिट,
महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुओ मोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र तक नहीं। चौथा पॉइंट, दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। अब यह रिपोर्ट तो आपने देख लिया, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स भी आपको मिल गए कि इस पर आप चर्चा करें, बताएं लोगों के को कि यह खेल क्या चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो गंभीर मसला है, जो गंभीर पॉइंट है, वो यह कि कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विक्टोरिया गौरी के लिए यहाँ सबके विरोध को झेलना मुनासिब समझा और अपनी जिद पर ही अड़े रहे, सफल भी हो गए। यहाँ एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिस पर खूब हायतौबा मची थी, लेकिन सीजेआई साहब नहीं माने। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति 2023 में विवादों में घिर गई थी, जब कुछ वीडियो में उनके कथित नफरती भाषण सामने आए थे। इसके आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई उसी दिन हुई जिस दिन उनकी नियुक्ति निर्धारित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कॉलेजियम से स्वीकृत उम्मीदवार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। और फिर इसमें बवाल तो मचना था, जिन्हें हेट स्पीच करने की आदत रही हो, जो बीजेपी से कनेक्टेड रही हो, वो पहले जज बन जाती हैं, अब परमानेंट होने के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि पेशे से वकील रही लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी का विरोध इसलिए भी हुआ था क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर खुद को बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बताया था। 8 अक्टूबर 2010 को उन्हें केरल बीजेपी महिला मोर्चा का इंचार्ज बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था। द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है, इसलिए यह आरोप लगा था कि मद्रास हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति का राजनीतिक झुकाव हो सकता है। वहीं गौरी की अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ उनके कथित हेट स्पीच के लिए व्यापक रूप से आलोचना भी की गई थी। लेकिन फिर भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूर को विक्टोरिया गौरी सबसे काबिल जज के तौर पर दिखाई पड़ने लगी। हाईकोर्ट के कुछ बार वकीलों ने तो गौरी की सिफारिश का विरोध करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को संबोधित अलग अलग लेटर्स भी लिखे थे। इनमें अधिवक्ताओं के समूह ने कॉलेजियम की सिफारिश पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उनकी नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगी। इन सब के बावजूद सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ अड़े रहे थे। क्या हुआ था, सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ इन सब को अलग कैसे करते गए, जरा यह भी देख ही लीजिए। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट उस वक्त जो आई थी उसके मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश करने से पहले न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी से संबंधित सभी सामग्रियों की सावधानी पूर्वक जांच की थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए पेश होने या समर्थन करने वाले वकील जज बनने से अक्षम नहीं हो जाते हैं। मतलब अब इनका कहना है कि वकील के पास कोई भी आएगा वो सबका काम देख सकते हैं। इसी तर्क के आधार पर वो इन्हें जज बनाने के इच्छुक हो गए। क्या जजों की कोई कमी है, क्या सबसे काबिल विक्टोरिया गौरी हैं जिन्हें हेट स्पीच का शौक है, यह एक सवाल है। चीफ जस्टिस ने कहा, वकील अपने करियर में विभिन्न वर्गों से आने वाले मुवक्किलों के लिए पेश होते हैं। वकील अपने मुवक्किल नहीं चुनते, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक वकील के रूप में जो कोई भी कानूनी सहायता की तलाश में आपके पास आता है
उसके लिए पेश होना आपका कर्तव्य है। यह ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर को अपने क्लिनिक में आने वाले किसी भी व्यक्ति का इलाज करना होता है। आप अपने पास आने वाले लोगों के अपराध बोध की कमी का अनुमान नहीं लगाते हैं। तो कुल मिलाकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम तमाम मापदंडों पर उनकी जांच परख कर चुके हैं, सरकार से भी जानकारियां साझा कर चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। तो हम जो है इसे किसी भी सूरत हाल में अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे, विक्टोरिया गौरी को जज हम बनाकर ही रहेंगे। सीजीआई ने कहा कि उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि विभिन्न राजनीतिक विचारों वाले व्यक्तियों के लिए पेश होने वाले वकील अद्भुत न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मैं यह नहीं मानता कि हमें किसी व्यक्ति की केवल उन विचारों के आधार पर आलोचना करनी चाहिए जो उसने वकील के रूप में कहे होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे न्याय करने के पेशे में से ऐसा कुछ है जो आपको निष्पक्ष बनाता है। तो देखना होगा कि विक्टोरिया गौरी कितनी निष्पक्ष जज के तौर पर परमानेंट जज बनती हैं, या फिर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का जो बीजेपी के प्रति झुकाव सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़ने लगा है उस पर और भी ज्यादा बवाल ही मचता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।